गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। और आज हम सीखने वाले हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन में आज हम सीखने वाले हैं लेस्ट और शुड का यूज। लेस्ट और शुड का क्या मतलब होता है? कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट और शुड का क्या मतलब है? कहीं ऐसा ना हो कि या फिर ऐसा ना हो कि। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। शोर मत मचाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूं। देखिए, लेस्ट और शुड का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला है जिसे आपको फॉलो करना है। फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मली लेस्ट और शुड के सेंटेंस से पहले आपको एक इंपेरेटिव सेंटेंस दिखाई देता है, मतलब मोर देन 90% ऐसा होगा, कुछ केसेस में नहीं हो सकता है। तो पहले आपको उसको इंपेरेटिव सेंटेंस को लगाना है, उसके बाद लेस्ट, देन सब्जेक्ट, देन शुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, शोर मत मचाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूं। अब देखिए, इस सेंटेंस में ना शब्द दिखाई दे रहा है और ना का मतलब नॉट होता है, लेकिन भूल कर भी आपको लेस्ट और शुड वाले सेंटेंस में जिस हिस्से में लेस्ट और शुड लगा होगा उस हिस्से में नॉट का प्रयोग नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। गलती से ऐसा हो जाता है तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं। ठीक है, तो सेंटेंस बनाते हैं, शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसा ना हो कि लेस्ट, आई शुड स्लैप यू, मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूं। तो बिल्कुल आसान है, शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, छाता ले लो, ऐसा ना हो कि तुम बारिश में भीग जाओ। तो छाता ले लो, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। टेक एन अम्ब्रेला, लेस्ट यू शुड गेट वेट इन द रेन। गेट वेट मतलब भीग जाना, लेस्ट यू शुड गेट वेट इन द रेन, भूल कर भी नॉट नहीं लगाना, ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ाई कर लो, ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम्स में फेल हो जाओ। डू स्टडी, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऐसा ना हो कि लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशंस। You should fail in the examinations, मतलब ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, इसलिए पढ़ाई कर लो। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा ना हो कि आपकी आने वाली वीडियोस छूट जाएं। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे छूट जाएं, आप उन्हें ना देख पाओ, तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो सेंटेंस क्या बना, सब्सक्राइब आवर चैनल, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। Lest you should miss our coming videos. तो बिल्कुल easy है lest और should का प्रयोग। ऐसा ना हो कि शब्दों के लिए हम रोजमर्रा की डेली लाइफ में इसका बहुत यूज कर सकते हैं। आप इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप इसको अपनी डेली लाइफ में उतार सकें और यूज कर सकें। तो मिलते हैं फिर नई नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।